नमस्कार, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे आर्यन खान समेत 3 आरोपी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने शनिवार को मुंबई में चल रही एक हाई प्रोफाइल रेव पार्टी पर रेड की थी, जिसके बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था। रविवार शाम तक इन सभी से पूछताछ की गई, जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है, जिसमें शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान भी शामिल है। आज फिर इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने तीनों आरोपियों की कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। एनसीबी ने कोर्ट से आरोपियों की 11 अक्टूबर तक के लिए कस्टडी मांगी थी। सुनवाई के दौरान एनसीबी ने आर्यन खान के फोन में मिली आपत्तिजनक तस्वीरों के बारे में भी बताया। इसके साथ ही कई चौंकाने वाले खुलासे किए, लेकिन दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर लिया और एनसीबी का 7 अक्टूबर तक कस्टडी दे दी। एनसीबी ने अपने पक्ष में कोर्ट में कहा है, अगर हम लोगों इन लोगों की कस्टडी नहीं ले पाएंगे तो ये बात साफ नहीं हो पाएगी कि आखिर ड्रग किस तरीके से इसके पास तक पहुंचा था। हमने पिछली बार भी कई लोगों से पकड़ा था, लेकिन इस बार अलग अलग लोग है। सबसे ज़्यादा चिंता युवाओं की है, इनके ड्रग्स लेने के बारे में पूरा परिवार और समाज प्रभावित होता है। युवाओं के लिए ये लोग रोल मॉडल होते हैं, जो बेहद चिंता की बात है। आरोपियों की रिमांड की मांग करते हुए एनसीबी ने कहा है कि आर्यन के फोन में आपत्तिजनक सामग्री की तस्वीरें मिली है। फोन में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी और की ओर इसका इशारा करते हुए पिक्चर चैट के लीक का भी जिक्र है। ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन के अलावा अरबाज और मुनमुन समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें फोन से संदिग्ध ट्रांजेक्शन्स का भी जिक्र है। साथ ही ड्रग्स खरीदने के लिए कई कोड नामों का इस्तेमाल किया गया। आर्यन खान की तरफ से कहा गया है कि मैं वहां एक स्पेशल गेस्ट था, मेरे सारे सामान स्कैन होकर गया था, मेरे पास से भी जो भी बात कही गई है उसका पंचनामा नहीं है। मोबाइल फ़ोन जांच शुरू होते ही ले लिया गया था।